नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है हनुमान चालीसा का जो संकल्प लेते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके वजह से मैंने ये सोचा क्यों ना मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो आप लोगों को बनाती हूँ और बताती हूँ कि इसमें आपको कौन कौन सी भूल नहीं करनी। बहुत सारी लेडीज़ क्या करती, पीरियड होता है 2-3 दिन बाद उसके बाल वाल धो के पूजा करने बैठ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। पीरियड का समय तो सभी लोगों को पता ही है क्या होता है, वो तो हर स्त्री जानती है कि उनका डेट कब आने वाला रहता है। तो जब आपका पीरियड आ जाए तो बस 8 दिन जब कंप्लीट हो जाए उसके 2 दिन बाद आप बाल धो लीजिए और नाखून वाखून सब काट लीजिए, उस्मान चालीसा का जो पाठ का संकल्प ले लीजिए, उसके बाद आप पूजा करने बैठिए। और हाँ, ध्यान रहे कौन से वस्त्र का हम लोग प्रयोग करें। तो वस्त्र हमेशा ऐसा पहनना चाहिए जिसमें काला रंग बिल्कुल भी ना हो, मिक्स भी रहेगा तो भी नहीं चलेगा। और नेवी ब्लू जो होता है या स्काई ब्लू, ये सब भी कलर नहीं चलेगा। हमें हमेशा लाल रंग का ही प्रयोग करना है, क्योंकि लाल रंग जो है हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। आप चाहें तो सूट पहन सकते हैं लाल कलर का। और ध्यान रहे ऐसा कपड़ा हमें पहनना है जो हमने कभी भी मांस मछली खाने के टाइम ना पहना हुआ हो, और दूसरा जब हम पीरियड होते हों तो भी हमने वो कपड़ा ना पहना हुआ, क्योंकि हम लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और हमें हनुमान जी की आज्ञा का पालन भी बहुत अच्छे से करना है। इसीलिए आप लोग इस बात का ख्याल रखिए, कपड़ा जो है बिल्कुल नया होना चाहिए। आप नया कपड़ा खरीद के रख लीजिए, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप कम दाम वाला ही खरीद के रख लीजिए, पर बिल्कुल भी नया होना चाहिए वो कपड़ा, और वही पहन के आप पूजा कीजिए। तो दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों को बताना चाहती हूँ कि लाल रंग का आसन में हम लोगों को बैठना है, क्योंकि लाल रंग का ही हर चीज़ चाहिए हम लोगों को। और लाल रंग का फूल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूले बजरंग बली पे, हनुमान भैया पे। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास लाल रंग का आसन नहीं है तो लाल रंग का नया तौलिया या फिर लाल रंग का नया गमछा बिछा के आप बैठ सकते हैं, उस पर आप अपनी पूजा को आरंभ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं कि हमें पूजा जो है शाम में शुरू करनी चाहिए या फिर सुबह में शुरू करनी चाहिए। तो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब इस पूजा को कर सकते हैं, या फिर सुबह आपके पास टाइम है तो सुबह कर लीजिए, या फिर शाम में आपके पास समय है तो शाम में कर लीजिए। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पूजा जो है शाम में ही आरम्भ कीजिए, क्योंकि हनुमान जी जो है, बजरंग बली जो है, वो दिन में प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें शाम का टाइम जो शाम को जो है उन्हें विश्राम करने का समय मिलता है, तो आप शाम में ही इस पूजा को स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि शाम में आप जल्दी फल्दी सारा काम कर लीजिए, संझा वगैरह दे, नहा धोवा के एकदम स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, संझा दिखा लीजिए, उसके बाद ही आप इस पूजा को आरंभ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हाँ, समय पर आप 7 बजे स्टार्ट कर रहे हैं पूजा, तो आपको शाम 7 बजे ही बैठना पड़ेगा। उससे 2-3 मिनट आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, संकल्प लेने के टाइम आपको टाइम भी निर्धारित करना पड़ेगा, आपको वक्त भी बताना पड़ेगा कितने बजे से आप संकल्प ले रहे हो और कितने जो हर दिन आपको पूजा में बैठना है। तो इस बात का भी ख्याल आप लोग ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे विशेष मांग लेते हैं, बहुत सारे मनोकामना उनके अंदर इच्छा पलते रहते हैं और बहुत सारी इच्छा वो भगवान जी के पास बोल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मात्र एक विश आपको उनको बोलना है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बस आपको वही विश बताना है बजरंग बली को। आप संकल्प ले रहे हैं उसी टाइम आपको बताना है कि मैं इस विश के साथ आपकी पूजा कर रही हूँ, मेरे इस विश को आप जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। मैं 7 दिन का संकल्प या 11 दिन का या फिर 21 दिन का, जो जितने दिन का भी आप संकल्प ले रहे हो, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। और जितनी बार आपको पाठ करना है वो उसी टाइम, अगर आप 21 बार पाठ कर रहे हो तो आपको हर दिन 21 बार ही पाठ करना पड़ेगा। अगर आप 11 बार बोला है अपने संकल्प में तो आपको हर दिन 11 दिन तक 11 बार ही बोलना पड़ेगा। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद ही इस चीज़ को कीजिएगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शाम में संकल्प लेते हैं तो शाम को ही पूजा करने बाद वो पानी पी जाते हैं, जो अपने ग्लास का पानी रखा हुआ रहता है। लोटे का पानी तो 11-21 दिन तक तो वैसे ही रहता है, उसे दोबारा हमें स्पर्श नहीं करना पड़ता है संकल्प के बाद। लेकिन जो ग्लास का पानी होता है, उस अगर आप शाम को पूजा कर रहे हो तो उसको आप सुबह उस पानी को आप पी सकते हो। सुबह कैसे पीना है उस पानी को, सुबह नहा धोवा के पूजा करने के बाद ही उस पानी को ग्रहण करें। इससे जो है वो पानी जो है अमृत के समान हो जाता है, क्योंकि इस पानी में ही सारा पावर है। उस पानी को आप अच्छे से ढक के रखोगे, फिर सुबह पूजा करने के बाद पी लोगे, उसके बाद जो है आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आज का ये वीडियो, इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या बताया हुआ है। संकल्प से जुड़े जितने भी सवाल हैं उसके जवाब मैंने आप लोगों को दे दिए। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।